हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये जन्माष्टमी से एक दिन पहले इवनिंग की वीडियो है और मैं दूध लेने गई थी तो यहीं से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। तो मुझे भी कान्हा जी की ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह लेनी है और बाज़ार में अच्छी खासी रौनक है जन्माष्टमी पे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सामान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो सब लोग, मतलब जिन जिन के घर में कान्हा जी रखे हुए हैं, सब अपने कान्हा जी के लिए ले रहे हैं, लेकिन मैंने कान्हा जी नहीं रखे हुए हैं, मैं ले रही हूँ मंदिर में चढ़ाने के लिए। और ये है नेक्स्ट डे जन्माष्टमी की मॉर्निंग की वीडियो। तो सबको सबसे पहले गुड मॉर्निंग और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और यहाँ पर मेरी बेटी ने सबसे पहले पूरे घर की डस्टिंग कर दी थी और नहा के अब वो कर रही है मंदिर की सफाई, और अब मैं करूंगी पूरे घर की सफाई यानी कि झाड़ू पोछा वगैरह। और इतने मेरी बेटी मंदिर साफ कर देगी तो दोनों काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और बहुत बड़ी हेल्प करती है उसने मेरी, क्योंकि फिर मैं पूरी घर की सफाई करके नहा धो के फिर मैं मंदिर साफ करती, तो इतने वो मंदिर साफ करके जोत भी जला देगी और पूजा भी कर लेगी। और मेरी बेटी ने भी आज व्रत रखा है, बहुत अच्छी बात है। आज के ज़माने में बच्चे पूजा पाठ से दूर भागते हैं और वो पूजा पाठ भी कर रही है, मंदिर भी साफ कर रही है, व्रत भी रखा है, तो अच्छी बात है। जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, अपने धर्म की तरफ उनको थोड़ा थोड़ा मोड़िए, नहीं तो बच्चे आजकल बहुत दूर भाग रहे हैं चीज़ों से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस ऑफ कंडूटी। मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी और मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरी बेटी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, क्योंकि मैं कर रही थी घर की सफाई और उसने पूरा मंदिर साफ़ कर दिया। देखिए, मंदिर साफ़ करने में भी पूरा टाइम लग जाता है, इतनी बच्चे हेल्प कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। उसने पूरे मंदिर को अच्छे से साफ़ कर दिया। ये देखिए, मेरा छोटा सा कान्हा आ गया है, बोलो हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। सही से बोलो, हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। कह दो, आज मम्मा क्या बनाएगी आपको? किशन जी लड्डू गोपाल, है ना? जैसे तो अब की बार ना मैं इसके लिए ड्रेस नहीं लेके आई हूँ, मैं दूसरी तरह से इसका ड्रेसअप करूँगी, दूसरी तरह से इसको कान्हा जी बनाऊँगी, क्योंकि दो ड्रेसेस की ऑलरेडी रखी हैं। वो छोटी हो गई, एक भाई लेके आया था, एक मैं लेके आई थी शुरू में, तो वो छोटी हो गई है, तो फिर कहाँ तक इकट्ठी करूँ, इसलिए मैंने बोला अब की बार इसकी ना दूसरे तरीके से मैं इसको ड्रेसअप इसका तैयार करूँगी, अच्छे से कान्हा जी दूसरी तरह से बनाऊँगी, तो इसलिए मैं अब की बार नहीं लेके आई हूँ। कल गई तो थी लेकिन फिर मैं लेके नहीं आई। हाँ, मंदिर में चढ़ाने के लिए जो मैं लाती हूँ कान्हा जी की ड्रेस वगैरह पूरा सामान, वो मैं लेके आई हूँ, वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और हाँ, मैं बता रही थी कि मेरी बेटी ने आज मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी, उसने मंदिर साफ करके पूरा अच्छे से और जोत वगैरह जला दी थी सुबह ही और पूजा वगैरह कर ली थी। फिर मैं लग रही थी घर के कामों में, मैं तो बस अभी नहा के आई हूँ और 11:30 का टाइम हो रहा है, तो आज काफ़ी हेल्प हो गई। और आज वो कह रही है व्रत का, जो व्रत के जो आलू होते हैं वो भी वही बनाएगी, तो उसको पता है किस तरीके से मैं बनाती हूँ। वो खड़े खड़े जब मैं बनाती हूँ तो वो देखती है, तो थोड़ा सा बस मैं नमक का अंदाज़ा दूंगी और काली मिर्च का अंदाज़ा दूंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाएगी। तो इतनी हेल्प ही देखिए बहुत होती है। पेरेंट्स पूरी ज़िंदगी करते हैं लेकिन बच्चे उनका कोई गुणगान नहीं करते हैं, बल्कि पेरेंट्स को ये चीज़ें जब दुख होती हैं, जब सुनने को ये मिलता है कि आपने करा ही क्या, वो बड़े होकर जब ये चीज़ बोल देते हैं कि आपने करा ही क्या है हमारे लिए, करते ही क्या हो, ऐसा सुनने को मिल जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन जब पेरेंट्स पूरी ज़िंदगी करते हैं तो वो कभी भी इस बात को नहीं जताते हैं, और बच्चा एक दिन भी कर देता है तो उसकी देखिए अलग ही तारीफ़ कर देते हैं। तो आज मैं यही चीज़ बोलूँगी कि नहीं बेटा, पंखा भी नहीं चलाना, दो मिनट रुक जाओ। तो आज मैं यही चीज़ बोलूँगी, चाहे मेरे पेरेंट्स हों या किसी और के हों, तो सबके पेरेंट्स बने रहें, स्वस्थ रहें। लड्डू गोपाल सबके पेरेंट्स को स्वस्थ रखें ताकि उनको किसी के ऊपर आश्रित ना होना पड़े और वो अपना अच्छे से ख्याल रख सकें, अपना कर सकें, और बच्चों का जो फर्ज होता है देखिए वो तो वो निभाएं ही। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि बेटी क्या कर रही है आलू बनाने की तैयारी, और उसके बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी कान्हा जी की ड्रेस वगैरह जो मैं लेके आई हूँ। तो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और शाम को मैं इसको दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, बता दो क्या दिखाओगे। सोते वाले भगवान जी का बिस्तर। हाँ। तो मैं उनकी ड्रेस के साथ साथ जो उनका पूरा छोटा सा बिस्तर है वो भी लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मंदिर है उसमें ना
आज जो कान्हा जी को झुलाया जाएगा वो इतने से ही हैं, तो मैं उनका जो सामान है वो सारा जो छोटे वाले कान्हा जी हैं उनके लिए लेके आई हूँ। और जो इसको मैं शाम को तैयार करूँगी वो वाली वीडियो तो कल ही आएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बेटी क्या कर रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ किचन में। और ये देखिए मैंने भी पूरा घर अच्छे से क्लीन कर लिया है। जब इस तरह के त्यौहार वगैरह आते हैं अलग ही मज़ा आता है। और यहाँ पर मेरी बेटी ने शायद आलू छील लिए हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। हाँ जी, आलू उसने छील लिए हैं और आलूओं को वो काट रही है। और जो व्रत में आलू बनाए जाते हैं आज वो भी वो खुद ही बनाएगी। मुझे मना कर रही है कि नहीं आप नहीं बनाओगे, मैं बनाऊंगी। तो चलिए आज मुझे तो भैया बैठ के खाने को मिलने वाला है। और यहाँ पे मेरी बेटी ने देसी घी गरम होते ही उसमें उबले हुए आलू डाल दिए हैं और अच्छे से अब उनको फ्राई होने देगी। चलाते जरूर रहना है। और पूरी रेसिपी देखने के लिए आप मेरी पहली वीडियो पे जा सकते हैं जिसमें मैंने व्रत वाले आलू की विधि बता रखी है। और सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब अच्छे से आपके आलू फ्राई हो जाएं उसमें डाल दीजिए सेंधा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च और एक नींबू निचोड़ दीजिए। फिर आपकी मर्जी है, चाय के साथ खाइए या दही के साथ, खाने में मज़ा ही आ जाता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरह बना के। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए पूरी रेसिपी नहीं दिखाऊंगी। की छोटी सी रेसिपी के लिए आप अपने बच्चों की हेल्प ले सकते हैं और उनको कुछ करना भी आ जाएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है और जब उनका खाने का ऐसे मन हो कभी भी वो बना के खा सकते हैं। आप रोटी के या परांठे के साथ भी इसे ट्राई कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। तो चलिए इतने मेरी बेटी आलू तैयार कर रही है, मैं आप लोगों को कान्हा जी की दिखाती हूँ ड्रेस। लड्डू गोपाल जी के लिए मैं लेके आई थी दो ड्रेस, एक है बड़ी और एक है छोटी, क्योंकि मंदिर में दो तरह के लड्डू गोपाल जी हैं, एक थोड़े छोटे एक बड़े। तो जो बड़ी वाली है वो मैं दूंगी छठी वाले दिन और ये जो छोटी वाली ड्रेस है ये मैं दूंगी आज यानी कि जन्माष्टमी वाले दिन। तो ये छोटी वाली ड्रेस के साथ ये पूरा सेट है और ये उनके बिस्तर भी हैं। और ये दो बांसुरी मैंने अलग से ली थी, ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। ये ब्लू वाली मैं दूंगी छठी वाले दिन और सेट के साथ भी एक बांसुरी है, तो ये मैंने लेकिन अलग से ले ली थी। दो मुझे बहुत सुंदर लगी थी ये छोटी छोटी सी। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो का मैं करती हूँ आज यहीं पे एंड, क्योंकि मुझे बहुत सारी तैयारी भी करनी है। अगर आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए।